अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं निदा और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 किलो का ये चिकन है मेरे पास, पूरा साबित मैंने चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने ये डीप कट लगा लिए हैं चेस्ट पीस में भी और इसी तरीके से लेग पीस में भी मैंने कट्स लगा लिए और इसी तरीके से इसकी बैक साइड पर भी हमने कट्स लगा लिए हैं। बाकी मसाले जो हमें चाहिए वो नोट डाउन कर लें। सूखा धनिया मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, अजवाइन मैंने ली है 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, सबज इलायची मैंने ली है 6 अदद, गोल साबुत लाल मिर्च मैंने ली है 10 अदद और हमने लिया है लाल मिर्च का जो पाउडर है वो हमने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी हमने ली है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ले लें या 2 टीस्पून ले लें, नमक हसबे जायका या 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, एक प्याली हमें भर के चाहिए दही की, 1/2 कप हमें चाहिए ऑयल का और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए सिरका। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम गोल लाल मिर्च जो है इसको डाल के भूनेंगे और जब ये हल्की सी खुशबू देंगे तो तब हम इसके अंदर अजवाइन, जीरा और जो है सूखा धनिया हमारा वो शामिल कर लेंगे और उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। लाल मिर्च जो है इसमें से खुशबू आने लग गई है, भून गई है, तो अब हम इसके अंदर जो है सूखा धनिया, जीरा और अजवाइन ये सब चीज़ें हम इकट्ठी इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें काली गोल साबित लाल मिर्चें वो भी ऐड कर देंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत काला नहीं आपने इसको करना, बस हल्का सा जब इस मसाले की खुशबू आने लग जाए तो तब हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे। मसाले को भूनने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सारे मसाले को ठंडा होने के बाद अब हम इसको डाल के और साथ ही हम इसके अंदर इलायची, जो 6 अदद इलायचियाँ थी वो भी शामिल कर देंगे। अब हम रोस्ट को लगाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले जो दही है उसको हम बोल में डाल के 2 टेबलस्पून जो हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था वो शामिल करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे हमारे पास लाल मिर्च, हल्दी और नमक, गरम मसाला वगैरह वो हम इसमें ऐड करेंगे और ये जो हमने मिक्स मसाला खुद ब्लेंड किया था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सिरका और 1/2 कप जो हमारे पास ऑयल था, ये सब चीज़ों को हम शामिल करके अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम अपना मिक्स किया हुआ मसाला जो है वो सारा रोस्ट के ऊपर डाल देंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम जो है इस पे मल देंगे ताकि अच्छे तरह ये मसाला जो है मुर्गी के अंदर तक रच जाए। इनर साइड्स जो है उसके अंदर भी अच्छे तरीके से मसाले को लगा लें। इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं 4 घंटे के लिए जो है इसको मैरिनेशन का टाइम दूंगी। लगाने के बाद मैं इसको 4 घंटे के लिए जो है मैरिनेशन के लिए टाइम दूंगी। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको टाइम दे सकते हैं। हमारे चिकन को रखे हुए 4 घंटे हो गए तो अब हम जो है इसको स्टीम करेंगे और हम इसको पतीली के अंदर स्टीम करेंगे। इनको स्टीम करने से पहले जो है हम इसकी जो दोनों लेग पीस हैं इसको हम बांध लेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमें जो है इसको पलटने में जो है वो आसानी रहे। चिकन को अच्छे से बांधने के बाद हम इसको जो है पतीली में डाल देंगे। चिकन हमारा बड़े साइज़ का तो पतीली हम थोड़ी बड़े साइज़ की लेंगे और ये जो बचा हुआ हमारे पास इसका है मसाला वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को डालने के साथ ही मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं और 1 आलू को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इस तरीके से, तो ये साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो जैसे जैसे हमारा चिकन स्टीम होगा तो साथ ही ये हमारे आलू जो हैं ये भी पक जाएंगे इसके साथ। और तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद मैं इसमें प्याज और जो मटर है वो ऐड करूंगी, क्योंकि आलू पहले मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि आलू जो है वो गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए हम मैंने आलू पहले डाले। तो अब हम इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम में रखते हैं।
पानी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं डालना, जो चिकन पानी छोड़ेगा और जो मसाले का पानी है उसी के अंदर ये पकेगा। इसमें शामिल करेंगे प्याज, मैंने बिल्कुल छोटे साइज के प्याज लिए हैं, बिल्कुल इस साइज का प्याज जो रोस्ट के अंदर ही डलता है वो मैं इसके अंदर डालूंगी। तकरीबन 6 से 7 जो प्याज हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये वेजिटेबल्स जो हैं आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, अगर नहीं है तो आप खाली स्टीम रोस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं मटर डाल के इसको 5 मिनट के लिए जो है वो दम पे रखूंगी। मटरों के लिए 5 मिनट ही बहुत है, क्योंकि इसको ज्यादा रखेंगे तो फिर इससे कलर चेंज हो जाएगा, तो 5 मिनट से ज्यादा आपने इसको दम पे नहीं रखना। हमारा रोस्ट तैयार होने में 5 से 6 मिनट रह गए हैं, जैसे ही तैयार होगा मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी इसको। अब हमारा रोस्ट बिल्कुल तैयार है, आधा घंटा हमने इसको दिया है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अब मैं चिकन को डिश आउट करने लगी हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आलू हैं उनको हम एक कॉर्नर पे अलहदा से निकाल लेंगे और जो प्याज है उसको हम दूसरी साइड पे निकालेंगे, ताकि हर चीज़ जो है इसमें अलहदा अलहदा प्रोमिनेंट हो। अब जो है मैं दूसरे कॉर्नर पे इसके जो है वो प्याज निकालूंगी जो हमने डाले थे। चिकन ने जो है साइड से ऑयल छोड़ दिया, अब हम जो है चिकन को डिश आउट करने लगे। हमारा रोस्ट जो है बिल्कुल रेडी है, अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसको ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।